हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं झटपट बनने वाली और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पालक पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत ही आसान, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और आजकल ठंडियों का मौसम है तो पालक तो आ ही रहा है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पालक पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पुलाव बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने चावल लिया है, मैंने बासमती राइस लिया है, आप सिंपल चावल भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से धुल लेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चावल एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची जो कि मैंने क्रश करके डाली थी, और 2 लौंग। और जिस ग्लास से मैंने चावल नापा था उसी ग्लास से हम पानी डालेंगे। तो पानी हम डालेंगे 1 ग्लास, और फिर उसके बाद आधा ग्लास से थोड़ा सा कम, 1.5 ग्लास टोटल डालेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, उससे बहुत ही अलग अलग सा पुलाव बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर इसको हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे। चावल हमारे पक चुके हैं। फिर हम इसको, ये देखिए कितना खिला खिला दिख रहा है। आप चाहें तो बचे हुए चावलों से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर हम गरम गरम चावल का ऐसे बनाएंगे तो फिर वो मैसी हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर हम इसे क्या करना है, हमको इसे ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद एक पैन लेंगे, और पैन में ये पालक डाली है मैंने, ये वीडियो में बनाना भूल गई हूँ, गलती से नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद ये 400 ग्राम के करीब पालक थी। और फिर इसको खौलते पानी में डालना है और 2 मिनट के अंदर निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर क्या होता है ना, पालक का कलर चला जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। और इतना ही काफ़ी है, बस 2 मिनट के लिए उबलते पानी में डाल दीजिए और तुरंत 2 मिनट के बाद निकाल लीजिए। और अब इसको हम ठंडे पानी से धुल देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको चलेंगे पीस लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 हरी मिर्च डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे यही पालक, और इसका एक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए पालक भी पीस लिया है हमने, पानी नहीं ऐड करना था, बस ऐसे ही पीसना था। फिर उसके बाद हम एक पैन लेंगे, मतलब कढ़ाई, तब जो भी ले रहे हो आप। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे घी, 1 चम्मच घी। और फिर इसमें डालेंगे ये 100 ग्राम के करीब पनीर लिया था मैंने, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और इसको भी ऐसे थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे, ब्राउन जब तक हो जाए। वो टेस्ट बहुत अच्छा देता है पालक पुलाव में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर भी बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरीके से। अब इस पनीर को हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको साइड में रख देंगे। और फिर उसी पैन में हम फिर से तेल डाल देंगे, दूसरा पैन नहीं लेंगे क्योंकि ये धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पनीर ही फ्राई किया है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसको तड़कने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम ये इलायची और 1 तेज़पत्ता, बड़ी इलायची मैंने तोड़ के डाली है। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और फिर ये डालेंगे 10 से 15 ये काजू डाले थे, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हल्का गोल्डन होने तक की। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च और 1 कटा हुआ बारीक प्याज, बड़ा प्याज लिया था मैंने। और फिर ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही ये सारा काम करना है। और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है, फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर यूज़ किया है, भुना हुआ जीरा लिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे। और फिर सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक की पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, हम मैं पालक के साथ
टमाटर का यूज़ नहीं करती हो, नहीं खाती हो, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पालक को पका लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट पका लेना है। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने पनीर पहले फ्राई किया था, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने, क्योंकि बाद में डेकोरेट करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम चावल, वही जो हमने ठंडे होने के लिए रखा था। इसको मैंने पंखे में ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए चावल, अब इसमें पूरा चावल एक साथ नहीं डालना है, पूरा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि फिर मिक्स करने में दिक्कत होगी। गलती से मैंने ये पैन भी छोटा ले लिया था, तो दिक्कत हो रही थी। और वैसे भी कढ़ाई वगैरह अगर बड़ा बर्तन भी लेते हैं तब भी आप आधा आधा करके ही डालिएगा अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, मैंने ये आधा चम्मच डाला हुआ है। और सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, बाद में घी डालना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल निकल के घी अलग से महकता है। और फिर इस ढक्कन को बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए, और फिर ये खोलेंगे हम अपना ढक्कन। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसा मन कर रहा है मैं अभी तुरंत ही खा लूँ। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर आप चलते हैं हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। और जो इसमें जो हम लोगों ने ये खड़े मसाले आप लोग डालिएगा वो निकाल दीजिएगा, मैंने निकाल दिए थे। और फिर इसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ रायते के साथ और प्याज और हरी मिर्च के साथ। आप भी इसे रायते दही के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है, कोई भी झंझट नहीं होता है। और इसमें मतलब इतना हेल्दी भी होता है, पालक तो हेल्दी होता ही है, तो पालक पुलाव हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।